हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, मींस इथाइलिन का बायोसिंथेसिस। हम बोल सकते हैं कि जो बायोसिंथेसिस होगा वो इथाइलिन का कहाँ होगा। इथाइलिन इज एन प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर इथाइलिन का बायोसिंथेसिस हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिग्नलिंग पाथवे ऑफ इथाइलिन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। हम बोल सकते हैं कि द प्रिकर्सर मोलिक्यूल ऑफ इथाइलिन, मतलब प्रिकर्सर मोलिक्यूल क्या होगा बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन का, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन का फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला C5H11NO2S, ठीक है। तो मिथ्योनिन क्या होगा, मिथ्योनिन कन्वर्ट इनटू सेम, मतलब क्या, मिथ्योनिन कन्वर्ट इनटू सेम एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, मतलब सेम के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेम सिंथेटाइज एस एडिनोसिन, क्या मिथ्योनिन सिंथेटाइज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके अंदर, मिथ्योनिन कन्वर्ट इनटू सेम। सेम का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एडोमेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर एटीपी कम होगा या फिर लेस होगा या फिर बोल सकते हैं एब्सेंस होगा, तो सेम सिंथेटाइज एंजाइम अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन सेम कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट इज एमटीए, जिसको हम बोलते हैं 5-methyl thioadenosine, सेकेंड इज ACC, 1-aminocyclopropane 1-carboxylic acid, ठीक है। तो देन देखो MTA मोलिक्यूल इज रिसाइकल्ड इनटू द मिथ्योनिन, ठीक है। दिस साइकिल इज कॉल्ड यंग साइकिल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथ्योनिन साइकिल। तो MTA यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इथाइलिन सिंथेसिस के अंदर, बोल सकते हैं कि इथाइलिन फॉर्मेशन के अंदर ये रोल नहीं प्ले कर रहा है, इट इज रिसाइकल्ड इनटू अगेन इनटू द मिथ्योनिन। देन ACC इज प्ले रोल इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर बोल सकते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ACC ऑक्सीडेज, ठीक है। ACC ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू इथाइलिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन देन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl, ठीक है। तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा, CH2CH2। इथाइलिन का मेरे को जो मेजर रोल है किसके अंदर काम है, फ्रूट राइपनिंग के अंदर है, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन के, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस के अंदर भी ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इथाइलिन का, और मैं बता चुका हूँ कि अगर सिग्नलिंग पाथवे किसी ने नहीं पढ़ाया इथाइलिन का प्लांट्स के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।